जय माता दी मित्रों, मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट 2023। मकर लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों अगर आपकी लग्न कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है जो कि एक चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन की जातक अथवा जातिकाएं चर लगन होने के कारण, मूवेबल साइन होने के कारण गतिशीलता काफी अधिक पाई जाती है, बदलाव को जल्दी ग्रहण करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति अपने स्वभाव को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, अपनी बातों को लेकर हमेशा एक जैसे नहीं बने रहते, समय अनुसार परिवर्तन अपने आप में, अपने व्यवहार में, परिस्थिति के अनुसार कर लेते हैं और एक बहुत ही अच्छी खूबी भी पाई जाती है। और ये व्यक्ति का अंतर्गत हमेशा, क्योंकि शनि का प्रभाव मकर राशि के कारण, मकर लगन के कारण यहाँ पर कर्मठता जो होती है काफ़ी अधिक पाई जाती है, कर्मठ प्रवृत्ति के मेहनती होते हैं। ये कोई भी कार्य होता है, अगर कोई कार्य आसानी से भी करना हो उसमें भी बहुत मेहनत करके तब जाकर उसको करते हैं, एक परफेक्शन के साथ जिसे कहते हैं। तो मतलब परफेक्शनिस्ट भी इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं को आप कह सकते हैं, तो वो प्रवृत्ति भी इनकी पाई जाती है। पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति, मजबूती, वो सब इनके अंतर्गत काफ़ी अच्छी होती है। हमेशा अपने से एक अपर लेवल के गोल, अपना टारगेट फिक्स करते हैं और उस पर बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके सब कुछ अचीव कर लेते हैं। अब देखिए 2023 के अंतर्गत सबसे पहला गोचर जो रहेगा, बदलाव रहेगा, 17 जनवरी 2023 से ही शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि के अंतर्गत अपना गोचर करने वाले हैं। अभी 2.5 साल के लिए अब शनिदेव कुंभ राशि में आ जाएंगे और जिनकी, ये तो मकर लग्न की बात है, जिनकी मकर राशि भी है उनकी 7.5 साती का ये यहाँ से 7.5 साती का अंतिम पड़ाव रहेगा मकर राशि वालों के लिए। और यहाँ पर शनिदेव क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत रहेंगे तो यहाँ पर ये एक अंतिम पड़ाव रहने वाला है और अंतिम ये 2.5 साल अब आपको ये, क्योंकि लाभ भाव की राशि है तो अब आपको प्रॉफिट और लाभ आपको कराने वाले हैं। हो सकता है कि लंबे समय से आपने मेहनत करी हो, जिनकी राशि मकर है उनके लिए खास तौर पर रहेगा कि जिन्होंने बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और मानसिक तनाव में भी थे, तो अब ये समय काफ़ी रिलीफमेंट का रहेगा, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जो आप जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील थे, मेहनत कर रहे थे, वो सब चीज़ें आपको इस समय के अंतर्गत ये मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर शनिदेव आपको ये सब चीज़ें देने आए हैं। अब देखिए यहाँ पर लगन के स्वामी का संबंध जब द्वितीय भाव से आया है और शनिदेव कुंभ राशि में है तो यहाँ पर ये प्रभाव रहेगा। आप देखेंगे 17 जनवरी 2023 के बाद से आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेकर ज़्यादा समर्पण भाव के अंतर्गत आप आएंगे, अर्थात पारिवारिक तौर पर आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं और विशेषतः आप अपने परिवार की वृद्धि करने वाले, क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ पर कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार के जो लोग हैं, फैमिली को ग्रो करने का भी यहाँ पर काम रहेगा कि कहीं ना कहीं आप परिवार की वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि फैमिली के अंतर्गत कुछ और बंदों की एंट्री आपके जीवन के अंतर्गत हो जाए तो ये भी स्थिति यहाँ पर होने वाली है, ये प्रभाव आप देखेंगे। साथ ही क्योंकि यहाँ पर वाणी का भी प्रभाव है तो शनि के प्रभाव के कारण आप कहीं ना कहीं एक कटु सत्य जिसे कहते हैं और डायरेक्ट स्पीच जिसे कहेंगे, डायरेक्टली एकदम आप बोल देंगे, तो ऐसी स्थिति भी आपके साथ आएगी जिस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको केयरफुल रहना है इस बात को लेकर, ये स्थिति भी यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर क्योंकि भाव धन का भाव है तो विशेषकर अब ये तो बात सत्य है कि यहाँ पर धन की विशेष वृद्धि शनिदेव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में प्रिय राशि के अंतर्गत शनिदेव गोचर करेंगे तो विशेषकर आपको धन संचय कराने का भी विशेष आपके अंतर्गत संकल्प आएगा कि अब आप कहीं ना कहीं धन को संचित करने का विशेष प्रयास आप करते नजर आएंगे। तो ये भी एक अच्छी स्थिति मिलेगी कि धन आएगा और उसको आप सेव करने की, संचित करने की तरफ आपका विशेष ध्यान रहेगा, तो ये भी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ भोजन की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा तामसिक भोजन में वृद्धि हो सकती है जिससे आपको अवश्य बचना है। और जो व्यक्ति मेल है, पुरुषों के लिए, उनको यहाँ पर शराब इत्यादि का आप संबंध बन सकता है, थोड़ा वहाँ पर आपको बचना है, नहीं तो यही शनि आपको जो यहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट हम बता रहे हैं वही नेगेटिव में बदल जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको हर तरीके से तामसिक भोजन या तामसिक पेय पदार्थों से, इन सब से जो भी हमने बताया नशीले पदार्थों से आपको बचकर रहना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पर 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बाद बीच के अंतर्गत, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 से गुरु का भी
गोचर बदल जाएगा, मीन से मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे तो एक वहां पर भी चेंजमेंट दिखेगा। इस बीच के अंतर्गत अगर हम देखें तो 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में दो भाव ऐसे हैं कुंडली के जिस पर केवल पाप प्रभाव पड़ने वाला है। शनि का और राहु का प्रभाव रहेगा क्योंकि गुरु अभी मीन राशि में ही रहेंगे 22 अप्रैल तक। तो आप देखते हैं कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि और राहु का प्रभाव ऑलरेडी रहेगा। देखो एक बात तो यहाँ पर सत्य है कि कहीं ना कहीं आप स्थान परिवर्तन की ओर जाओगे, परिवार की विशेष जिम्मेदारी भी आप पर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से दूर जाने के भी योग आपके बनेंगे और हो सकता है कि अगर आप बर्थ प्लेस वगैरह पर हैं तो कहीं ना कहीं दूर का तो योग यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। और आगे भी जब गुरु का भी गोचर बदल जाएगा तब भी भाग्य आपका विदेश से, जन्मस्थान से दूर से इस तरह की स्थिति आपके जीवन में आएगी। अभी एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल का जब चतुर्थ भाव पर पाप प्रभाव बनेगा तो इस बीच के अंतर्गत आपको आपकी माता से संबंधित कष्ट आने की संभावना ज्यादा रहेगी क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर पाप प्रभाव हो रहा है। हो सकता है उसके साथ संबंधों का आपका मतलब संबंधों में परेशानी बने या कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी बन सकती है। साथ ही अगर ये सब भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप अपनी माता की गलतियों को, उनके कमियों को छुपाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। ये भी स्थिति इस समय के बीच में 17 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल के बीच में बनने की संभावना यहां पर रहेगी। तो ये प्रभाव नेगेटिव प्रभाव आएगा। साथ ही यहां पर इस बीच में ही विशेष ध्यान आपको रखना है क्योंकि यहां पर चतुर्थ से संबंधित है भूमि, भवन, वाहन से संबंधित भी कुछ धोखा, कुछ चीटिंग, इस तरीके की कुछ नेगेटिव स्थितियां भी यहां पर आपके जीवन में आ सकती है क्योंकि केवल पाप प्रभाव आ रहा है इस बीच में। और तीसरी दृष्टि, शनिदेव की तीसरी दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि रहती है, विच्छेद मतलब आपको दूर करने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहां पर क्योंकि भाव चतुर्थभाव आपकी प्रसन्नता का है, खुशी का है, वहीं पर राहु ऑलरेडी आपके घर में, चतुर्थभाव आपका घर है, वहां पर राहु का ऑलरेडी प्रभाव चल रहा है, उस पर शनि की ओर दृष्टि आ गई, कहीं ना कहीं आपका घर में मन नहीं लगेगा, आप इस प्रकार की स्थिति में आ ही जाएंगे। अगर आप जन्म स्थान से कहीं दूर हैं तो हो सकता है कि थोड़ा कम लगे, मतलब थोड़ा ही प्रभाव कम आए, लेकिन अगर आप बर्थ प्लेस पर हैं तो ये प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा रहेगा और आप इस समय के अंतर्गत कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि घर के अंतर्गत कुछ नेगेटिविटी है क्योंकि केवल पाप प्रभाव, राहु ऑलरेडी है ही शनि की दृष्टि, तो कहीं ना कहीं इस समय में आप ऐसा महसूस करने वाले, घर में कुछ नेगेटिविटी है, यहाँ पर कुछ छाया परछाई, किसी तरीके का साया, इस तरीके की चीजें इस समय में थोड़ा महसूस हो सकती है। अब ये सब निर्भर तभी है कि आपके जन्म कुंडली के अंतर्गत हो सकता है कि आपके जो ग्रह हैं वो थोड़े मतलब जो जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रह की स्थिति है वो भी इस तरीके के योग अगर हो, साथ साथ दशा भी आपकी नेगेटिव चल रही हो, तब ये प्रभाव ज्यादा दिखेगा, अन्यथा ये सिर्फ एक भ्रम मात्र उत्पन्न होंगे आपके जीवन के अंतर्गत और ये समय आपके जीवन से निकल जाएगा, इस तरीके का आपको समझकर चलना है। साथ ही यहां पर फेफड़ों से संबंधित और आपके हृदय से संबंधित परेशानियां यहाँ पर थोड़ी हो सकती है, तो ये इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। खासकर अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर आपको डिसीजन लेने में यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं झगड़े वगैरह होने की, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न होने की, इस तरीके की भी स्थिति संभावना यहाँ पर बनती है। अब देखिए शनिदेव की फिर उसके बाद सीधी दृष्टि, जैसे कि हमने कहा दो भाव ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, एक तो चतुर्थ भाव, और ये चतुर्थ भाव जब प्रभावित होता है सबसे ज्यादा व्यक्ति को कष्ट होता है। देखिए अपनी हमारी जो खुशी है, हमारी जो प्रसन्नता है, हमारी हैप्पीनेस, वो कहीं ना कहीं हमारे घर से जुड़ी होती है और जब हम घर पर जाते हैं और घर में सुकून नहीं मिलता, व्यक्ति बहुत ज्यादा फिर उसका कार्य क्षेत्र में भी बड़ी दिक्कत आती है, वहीं पर ये समस्या बननी शुरू हो जाती है। अगर आप चैन से अपने घर के अंतर्गत नहीं रह पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, ऐसा मेरा भी मानना है। और देखिए यहाँ पर अब उसके बाद शनि की सीधी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, वहीं राहु का भी प्रभाव अष्टम भाव पर रहेगा। ये भी टाइम वही 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में, ये भी एक टाइम है जहाँ पर पूरा पाप प्रभाव अष्टम भाव पर भी पड़ रहा है। ठीक है, अष्टम भाव पर जब पाप प्रभाव बढ़ेगा तो थोड़ा सा आपके हेल्थ को लेकर तो बनेगा ही, तो यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा नहीं बनेगा कोई ऐसा, लेकिन हाँ हेल्थ को लेकर यहाँ पर ध्यान रखना है। और हेल्थ में भी जैसा कि हमने बताया वो भी स्थिति यही रहेगी, जिनकी दशाएं खराब होंगी उनको ज़्यादा बनेगा। और हेल्थ में देखो यहाँ पर गुप्तांगों से संबंधित बन सकती है समस्या थोड़ा इसका, और जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम या घुटनों से संबंधित परेशानियाँ यहाँ पर बन सकती है, इसका ध्यान रखना है आपको। साथ ही यहाँ पर जो ससुराल पक्ष के लोग हैं,
ससुराल पक्ष हो गया जो पैतृक संपत्ति का बताया, वहां पर थोड़ी समस्या रहेगी कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपका विवाद वगैरह बढ़ रहा है वहां से, क्योंकि पूरा पाप प्रभाव आएगा, शनि और राहु का प्रभाव आएगा। तो उस समय के अंतर्गत थोड़ा सा कम बातचीत में रहिएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, या बोलते वक्त आपको थोड़ा सावधान रहना है उन लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं वहां से संबंधित कष्ट आने की संभावना है। अब ये किस प्रकार का होगा, ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का कष्ट रहेगा। तो वो स्थिति हो सकता है कि वे लोग काफी परेशानी में हो, उस समय के अंतर्गत आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो उनको लेकर, क्योंकि शनि की जब दृष्टि आती है तो रिलेशनशिप के अंतर्गत कहीं ना कहीं विशेष प्रयास आपको करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो यहां यही समय रहेगा कि हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष के लोगों को आपकी जरूरत हो, और उस समय के अंतर्गत आपको उनके लिए काफी मेहनत काफी प्रयास आपको करने पड़ रहे हैं, यह भी स्थिति हो सकती है। तो कष्ट आने की स्थितियां तरह तरह की हो सकती है, तो थोड़ा आपको वहां पर ध्यान रखना चाहिए, यह स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। अब देखिए यहां पर हमने पाप प्रभाव देख लिया, साथ ही 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में, क्योंकि गुरु का भी देखें, तो क्योंकि गुरु स्वराशि हैं, अभी तृतीय भाव में हैं, जो कि आपके व्ययेश भी हैं, बारहवें घर के भी स्वामी हैं, तृतीयेश भी हैं, तृतीय भाव के भी स्वामी हैं और स्वराशि बनकर बैठे हैं। तो यहाँ पर गुरु फायदा भी करा रहे हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड अगर आप हैं, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में, या लेखन संबंधित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी अगर आप हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी फायदा काफ़ी लाभ आपको दिला सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़कर या फिर आप न्यूज़ इंटरनेट से जुड़कर कहीं ना कहीं इस तरीके से कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां से संबंधित गुरु आपको फायदा करा सकते हैं, विशेषकर लेखन संबंधित कार्यों में, या रीडिंग से रिलेटेड, या फिर हो सकता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वहां पर आपको विशेष फायदा। क्योंकि ये देखिए 17 जनवरी 2023 से एक फायदा तो यही है, क्योंकि शनि अपने क्षेत्र से, जो जो व्यक्ति शनि के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, वहां पर विशेष फायदा व्यक्ति को होगा। और क्योंकि ये वायु तत्व की राशि में है, अगर आपका वायु से संबंधित, मतलब हो सकता है कि आप एयर मतलब एविएशन से रिलेटेड कुछ इसमें काम में हो, और या फिर कहीं ना कहीं आपका संबंध, अगर क्योंकि शनि का क्षेत्र के अगर हम देखें, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल फील्ड के अंतर्गत भी अगर आप हैं, तो वहां पर आपको विशेष फायदा हो सकता है। लोहे से संबंधित भी काम है वहां पर भी आपको मतलब बहुत फायदा, या तेल से संबंधित भी काम है, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी, तो यह भी प्रभाव रहेगा कि अगर आप वहां से संबंधित काम है, तो वहां से आपको विशेष फायदा आपको हो सकता है। वहीं गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो यह समय अब आपका रहेगा, क्योंकि शनि की गुरु की पांचवी दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो यहां पर आपको आपका विवाह होने की प्रबल संभावना रहेगी। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत कहीं ना कहीं से शनि का भी संबंध अगर बन जाए, और वैसे भी शनि वक्री तो होंगे ही, शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत 17 जून से लेकर 4 नवंबर के बीच में वक्री भी होंगे, तो ये भी समय रहेगा। और उसी समय के अंतर्गत वहां पर गुरु का भी वक्री होना, 4 सितंबर से 31 मेष राशि में होकर वक्री होंगे, तो वक्री के कारण सप्तम भाव पर पूर्ण प्रभाव शनि का गुरु का आएगा, तब भी वो समय एक, और एक समय 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में भी काफी अच्छा समय है, कि जिस समय के अंतर्गत गुरु का दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगा, विवाह हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, पार्टनर आ सकते हैं, रिलेशनशिप में मजबूती आएगी इस समय के अंतर्गत, ऐसा आप यहां पर इस समय के अंतर्गत समझ सकते हैं। व्यापारिक दृष्टि से भी इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये प्रभाव यहां पर आप समझ सकते हैं। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी, तो 22 अप्रैल तक आप प्लान कर सकते हैं, अगर आपको कोई तीर्थ यात्रा बड़ी यात्रा पर जाना है तो वो सब आप कर सकते हैं। भाग्य के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, भाग्य संबंधित अच्छा है यहाँ पर, पिता से लाभ आपको मिलेगा, भाग्य संबंधित फायदा रहेगा, गुरु इत्यादि आपको मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, हायर एजुकेशन की आप उन्मुख हो सकते हैं, मतलब आप उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं ये समय सबसे बेस्ट रहेगा 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में, आप देखते हैं कि शनि की दशम दृष्टि और गुरु की नवी दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर। ये टोटल टाइम प्रमोशन आय वृद्धि को लेकर, चाचा मित्र बड़े भाई बहन मित्रों से लाभ की दृष्टि से, या किसी भी तरीके के नेटवर्क सर्कल को बढ़ाने की दृष्टि से, या अवार्ड इनाम मिलने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो ये समय देखिए हमने नेगेटिव भी बताया है, पॉजिटिव भी बताया, दोनों ही तरीके से इस समय को हमने यहां पर देखा है। तो वो सब दृष्टि से, क्योंकि गुरु की भाग्य की दृष्टि आएगी, तो प्रमोशन टाइम रहेगा। अगर आपको प्रमोशन वगैरह के लिए सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेस्ट रहेगा 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में, एक आय वृद्धि प्रमोशन वगैरह होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि शनि की कर्म दृष्टि। और एक बात और है कि यहाँ पर जब लगन पर शनि आए थे, तो शनिदेव ने दशम दृष्टि कर्म स्थान पर डाली थी, तो आपके काम में बदलाव लाए थे, और कहीं ना कहीं आप मेहनत काफ़ी अधिक कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे अपने आप को एक आगे बढ़ाने का, और अपने छवि को सामाजिक तौर पर आप बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते थे, और उसके लिए आप विशेष प्रयासरत थे। लेकिन ये समय रहेगा आप परिवार की ओर उन्मुख हो जाओगे, और साथ ही अपने आय को लेकर, इनकम को लेकर विशेष तौर पे मेहनत, विशेष तौर पे आपका कर्म जारी रहेगा, क्योंकि कर्म दृष्टि रहेगी दशम भाव एकादश भाव पर, और चाचा के लिए, मित्र के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, वहां के लिए आप कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी।
अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि जैसे कि हम देख चुके हैं, अब गुरु का प्रभाव 22 अप्रैल के बाद, अब आप देखिए कि 22 अप्रैल के बाद होगा यह कि गुरु चतुर्थ भाव में आएंगे, लेकिन राहु के साथ हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि राहु के साथ हैं। अब जब शनि और गुरु दोनों का प्रभाव चतुर्थ भाव पर पड़ेगा तो ये अभी तक जैसे कि हम बता रहे थे कुछ नेगेटिव चीजें बोल रहे थे यहां पर, लेकिन 22 अप्रैल के बाद भूमि भवन वाहन इत्यादि सुख बनने की संभावना रहेगी, लेकिन संघर्ष के साथ ही बनेगा ये बात तय है। और जब गुरु पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे, राहु एक तृतीय भाव के अंतर्गत आ जाएगा, तब ये समय अक्टूबर 2023 के बाद, 30 अक्टूबर 2023 के बाद जैसा कि यहां पर है राहु का गोचर, तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद जब गुरु शुद्ध हो जाएंगे तो ये समय रहेगा कि गुरु का प्रभाव शनि का प्रभाव रहेगा, तब उस समय में आप अपने आपके जीवन के अंतर्गत भूमि भवन वाहन इत्यादि घटनाएं घटित होने की संभावना रहेगी, आप इन सब चीजों को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, समय आपके लिए आगे का अच्छा रहेगा। अब देखें यहां पर जैसा कि हमने बताया है कि ये स्थिति, साथ ही माता को लेकर तो स्थितियां कुछ ठीक नहीं दिखाई देती इस वर्ष के अंतर्गत, क्योंकि देखिए खुद व्ययेश भी हैं गुरु, साथ साथ चतुर्थ से बारहवें होकर चतुर्थ भाव में है, तो आगे भी जैसे कि हमने 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में भी ठीक नहीं बताई है, उसके बाद भी कुछ ज्यादा खास स्थिति यहां पर नहीं दिखती, तो मदर को लेकर तो आपको ज्यादा केयरफुल रहना इस समय के अंतर्गत पड़ेगा ही, वो स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। इसके बाद देखें यहां पर गुरु की दृष्टियों को देख लेते हैं, तो गुरु की दृष्टि में अमृत है, गुरु की दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, अष्टम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको गुप्त ज्ञान प्राप्त होगा। अभी जैसा कि हम बताते ससुराल पक्ष के साथ दिक्कत है, तो वहां पर वो परेशानियों में थोड़ा मतलब अंतर आ जाएगा, क्योंकि राहु का भी प्रभाव साथ साथ है, लेकिन फिर भी काफी हद तक 22 अप्रैल के बाद से ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता, परेशानियों में जो कष्ट था वो उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन गुप्त ज्ञान वगैरह में विशेष तौर पर वृद्धि, और अगर आप कुछ अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ वर्क आपका है तो वहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। साथ ही गुरु की दृष्टि दशम भाव पर भी रहेगी, केतु का भी प्रभाव है, केतु का प्रभाव के कारण थोड़ा सा आप मतलब 2022 के अप्रैल महीने से जब से केतु आए हैं दशम में, कहीं ना कहीं आप चेंजमेंट आपके दिमाग में आने लग रहा है कि चेंज की तरफ जाया जाए, क्योंकि केतु एक पूंछ है जो हिलती रहती है, जिसके कारण कर्म में अप्स एंड डाउन्स वगैरह आते रहते हैं। वहीं पर केतु के प्रभाव के कारण, क्योंकि केतु के पास हेड नहीं है, तो हेडलेस वर्क इतनी बार व्यक्ति कर बैठता है, कुछ ऐसी मिस्टेक व्यक्ति कर बैठता है जिसका पश्चाताप भी रहता है, क्योंकि राहु चतुर्थ में होने के कारण आपके अंतर्गत विशेष डिजायर बढ़ती जाती है, आप बहुत अधिक डिजायरफुल डिजायर आपकी बढ़ती जा रही है, इच्छा शक्ति आपकी काफी प्रबल हो रही है, जिसके कारण केतु के कारण यहां पर क्या हुआ, काम में मिस्टेक हो रही है, क्योंकि इच्छा बहुत अधिक बढ़ रही है, जिसके कारण आप कुछ जल्दबाजी के अंतर्गत कुछ गलत निर्णय, जिसके कारण मिस्टेक होने की मामला थी। वहीं गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ने के कारण यह स्थिति अच्छी ही रहेगी कि कुछ गलतियां मिस्टेक होने से बचोगे आप, वहां पर फायदा रहेगा, तो वो स्थिति। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि अपने ही घर को देखेंगे, बारहवें घर पर विदेश से लाभ दिलाने वाले रहेंगे, विदेश से भाग्य दिलाने वाले रहेंगे, और धार्मिक कार्य पर इत्यादि पर आपका खर्चा कराने वाले, तो अच्छी स्थिति पर रहेगा, तो वो एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। इसके बाद देखें यहां पर जैसा कि हमने देखा कि राहु का जो प्रभाव है और केतु का प्रभाव, तो देखिए राहु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव के अंतर्गत ये कहीं ना कहीं एक भ्रम उत्पन्न करता है, डर उत्पन्न करता है, डिजायर को बहुत अधिक बढ़ा देता है, और ये स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर इसको नियंत्रण बनाए रखना है, जो कि हम उपाय भी बताएंगे आपको, वो आपको करते रहने हैं। तो ये एक स्थिति यहां पर इस वर्ष के अंतर्गत दिखाई देती है। अब देखिए यहां पर उपाय क्या करने चाहिए, उपाय के तौर पर एक तो राहु को नियंत्रण, बेसिकली यहां पर राहु को बनाना है आपको, नियंत्रण में रखना है, तो देवी कवच का पाठ आपको करते रहना है, घर के अंतर्गत एक साफ सफाई अच्छे से रखना है, और धूपबत्ती वगैरह अगरबत्ती और फिर माता की देवी की ज्योत, और विशेषकर दुर्गा माता के सामने देवी की ज्योत वगैरह जलाकर अच्छे से ही आपको करते रहना है, और देवी कवच का पाठ आपको करना है। तो इस पाठ को करने से राहु आपका बैलेंस बना रहेगा, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, खासकर अप्रैल 2022 से अक्टूबर के बीच में, इधर एक तरफ आपको देवी कवच का पाठ चलाना है और दूसरी तरफ गुरु को बलवान बनाए रखने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है, तो ये आपको लिए अच्छा रहेगा। साथ ही केतु को भी हो सकता है, एक दशा भी केतु के, तो यहां पर आपको थोड़ी दिक्कत है, मिस्टेक आपसे, गलतियां आपसे होने लग रही होंगी, तो यहां पर कुत्ते की सेवा, स्ट्रीट डॉग की सेवा आपको करते रहना है, साथ ही साथ मछली की भी सेवा करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है, और यहाँ पर देखिए क्योंकि 7:30 का अंतिम पड़ाव भी है, तो आप हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा वगैरह आपको करते रहना है। शनिवार को गरीबों को दान भी दे सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं, एक नियमित तरीके से कराइएगा, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन आपको करते रहना है, प्राणायाम आपको करते रहना है, क्योंकि आप देखिए शनि की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, तो कहीं ना कहीं अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
जय माता दी।